फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेले, जो इतने क्रंची बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम करेले लिए हैं, जिनको मैंने छील के बीच से ऐसे करके काट लिया है, ये बीच से काट लिया है। और इसके लिए थोड़ा सा गुड़, कच्चा आम, प्याज, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सौंफ और नमक लिया है। इसको बनाने के लिए पहले मसाला तैयार करेंगे। इस एक जार में पहले मैं ये आम डाल दूंगी, इसी में अभी मैं ये प्याज, गुड़, गुड़ थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ये प्याज मीठा ही होता है, एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हाफ स्पून जीरा पाउडर, जीरा जो कि सिंपल से आएगा, एक बड़ी चम्मच सौंफ, और नमक डालकर इसको पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको करेले के अंदर भरेंगे। ये मैंने करेला लिया है, इसको बीच से काटा हुआ था, ऊपर से हल्का हल्का छीलना है, ज़्यादा नहीं छीलना है। इसी में मैं ये सब मसाला भरूंगी ऐसे करके। इस तरह सारे करेले भर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे करेले भर लिए हैं, इस तरह से हमें भर लेना है। और अब एक पैन में तेल गरम करना है, थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालना है। इसी में ही ये करेले रख के मुझे फ्राई करने हैं, इस तरह से इसमें रखने हैं सारे। और मसाला बचेगा उसको भी बाद में डालेंगे, तो एक बार इसको फ्राई होने के बाद में इसी में भून देंगे। ये मैंने सारे करेले इसमें रख दिए हैं, अब ये इसमें भुनेंगे। इसको पलट पलट के भूनना है ऐसे। इसको दो दो मिनट के लिए ढक देंगे और फिर चलाते हुए इसको भूनेंगे। अभी दो मिनट हो गए, मैं इनको देखती हूँ, पलटती हूँ इनको, एक बार इनको पलट लेती हूँ। ऐसे हमें पलट पलट के ही इनको फ्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जो मसाला हमारा बचा हुआ है वो भी अब हम इसमें डाल देंगे, जिससे वो भी इसके साथ ही पक जाए। ये मसाला जो बचा था ये भी मैं डाल देती हूँ, ये भी इसी में पक जाएगा। अब इसको मैं फिर भूनने देती हूँ, फिर ढक देती हूँ दो मिनट के लिए। ये देखिए हम अपने ये देख लेते हैं, इनको मैंने बीच में चलाया था बार बार पलट पलट के, मैंने किए। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, ये पक भी गए हैं। हाँ, ये अच्छे से पक गए हैं। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। ये हल्का तो कड़वा रहेगा पर इतना भी नहीं रहता है इस तरह से बनाने में। आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए ये हमारे बैंगन की सब्जी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, खट्टी मीठी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में।
इसको बच्चे भी खा लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा कड़वा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।